ये देखो इतने सारे कटिंग, अब मैं क्या करूं? ऐसा लग रहा है कि मैं इनको लेके बेचने के लिए आवाज़ लगाऊं कि कटिंग ले लो, कटिंग ढेर सारी कटिंग। देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया की, बेबी डॉल की, ग्रीन रशीना की, इतनी सारी कटिंग। गार्डन से मेरे इस तरह के कटिंग निकलते ही रहते हैं फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका किरण की फुलवारी में। देखिए तितलियाँ मेरे को बिल्कुल घेर के कभी इधर उड़ रही हैं, कभी उधर उड़ रही हैं। देखिए मेरे सर के ऊपर से, देखिए सुबह के टाइम आओ तो इतनी खुश नज़र आती हैं सारी की सारी तितलियाँ। ये देखिए बहुत सुंदर खिला हुआ है। तो ये कटिंग लगाने का ही टाइम चल रहा है फ्रेंड, और आपने देखा कि मेरे कितने सारे कटिंग और उस तरीके के कटिंग निकलते ही रहते हैं गार्डन से। तो सबसे अच्छा तरीका है, इतनी सारी मिट्टी, बार बार मिट्टी का जुगाड़ हम कहाँ से करें, तो उनको पानी में डाल देना चाहिए। हर तरीके से ये ईजी हो जाता है। जिनसे कटिंग नहीं लगती उनसे भी इस सीज़न में अगर वो पानी में डाल देते हैं थोड़े टाइम के लिए वाटर में, तो ईज़िली उसमें रूट बन जाते हैं और आप ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। तो चलिए मैंने वैसे ही पानी में प्लांट को डाल के रख देती हूँ, क्योंकि मैं टाइम नहीं मिल पाता है। तो उनमें से एक एक प्लांट की मैं आज रिपोर्टिंग कर दे रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं, लेट नहीं करते, जल्दी से। ये देखिए फ्रेंड, ये कांच का ये फिश रखने वाला एक्वेरियम है, और ये क्रेक हो चुका है, दिखाई नहीं दे रहा है, पानी इसमें से लीक होती है। तो मैंने सोचा अब इसको, इसमें कोई प्लांट ही लगा दिया जाए। तो मैं इसके नीचे देखिए तो कुछ माचिस के टुकड़े, कुछ कागज़ के टुकड़े, ये सब मैं डालती हूँ। ये देखिए इसमें मैंने एक खाली माचिस के खोखे, कागज़ के टुकड़े, ये सब डाल दिए हैं। उसके बाद मैं डालूँगी, ये देखिए ये पूजा के फूल हैं और अगरबत्ती के टुकड़े हैं, राख हैं। तो मैं इनको सप्ताह में एक बार कलेक्ट करके रखती हूँ। सप्ताह में एक ही दिन साफ होता है पूजा का जो जगह है। तो ये मैं ऐसे किसी भी पॉट में डाल देती हूँ, इससे फंगस का खतरा काफ़ी हद तक ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी राख मिले हुए हैं पूजा के, अगरबत्तियों के। और इसमें मैं भरूंगी ये मिट्टी, ये मेरे गमले की ही मिट्टी है। कुछ कुछ प्लांट्स हटा देते हैं या रिपोर्टिंग कर देते हैं तो ये बच जाते हैं, तो इनको मैं दूसरे प्लांट की रिपोर्टिंग में यूज कर लेती हूँ। और इसको भर के इसमें मैं लगाने वाली हूँ। ये देखिए ये है सिंगोनियम, ये देखिए इसके रूट, देखिए इसके जो एक गले हुए पार्ट हैं उनको मैं हटा दूंगी पानी में। देखिए इसके रूट इतने बने हैं, इतने अच्छे, और बहुत हेल्दी सा प्लांट ये होगा। और इसको मैं इंडोर ही रखूंगी, तो इसको मैं इस मिट्टी को इसमें डाल के इसको लगा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने इसको लगा दिया फ्रेंड। नीचे मैंने काफ़ी सूखे, आपको दिखाया ही कि सूखे कागज़ के टुकड़े, माचिस के टुकड़े, और फिर उसके बाद सूखे हुए पूजा के फूल, राख, फिर उसके ऊपर मिट्टी। और मिट्टी अभी बारिश का टाइम चल रहा है तो ऑलरेडी गीली थी, इस तो मैंने कोई पानी नहीं डाला है।
और इसको इसके स्टेम को ऐसे सीधा रखने के लिए मैंने दोनों साइड से दिया दबा दिया है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही प्लांट को अगर सेंटर पे अच्छे से खड़ा करके रखा जाए तो वो वैसा ही बढ़ता है, टेढ़ा लग जाएगा तो टेढ़ा ही बढ़ेगा, तो देखने में फिर सुंदर नहीं लगता। और एक इसमें की पत्ती थोड़ी देखिए, तो मैं इसको कट करके हटा दे रही हूँ, ये देखिए ये हट गई। अब इसको मैं इंडोर ही रखूँगी अपने बालकनी गार्डन में।